अरे लोटन कहाँ पर है? लोटन इधर सामने जा रही है, सामने दुकान है। ठीक है ठीक है। कहते हैं किसी जगह के जायके धीरे धीरे उस जगह का आईना बन जाते हैं, और कब उस आईने का अक्स हमारा वजूद हमारी पहचान बन जाता है पता ही नहीं चलता। आज ऐसे ही कुछ पहचान दिलाते जायकों से आपका रूबरू कराने मैं आया हूँ वहाँ पे छत्ता शाहजी की पुरानी गलियों में। अंदरून दराज गलियाँ हैं ये पुरानी दिल्ली की, और सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हम यहाँ पे एक ऐसे छोले कुलचे वाले की जो कि दिल्ली में ही नहीं पूरा भारत में डंका बजता है। यहाँ पे महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश कहाँ कहाँ से लोग आते हैं खाने के लिए। आइए जी जायजा लेते हैं यहाँ के लोटन के छोले कुलचे वाले का। चलिए चावड़ी की इन छत्ता शाहजी की गलियों में जब भी नाश्ते का जिक्र होगा तो लोटन छोले कुलचे वाले का नाम सबसे अव्वल आएगा। ये है आपका मसाला है। और इन संकरी तिलस्मी गलियों को देखकर आप परेशान बिल्कुल ना हो, सिर्फ नाम लेने की देर है और यहाँ लोग खुद ब खुद आपको रास्ता दिखा देंगे। अरे लोटन कहाँ पर है? लोटन इधर। और मैं तो आज सुबह 7 बजे ही पहुँच गया था। ठीक है ठीक है। अच्छा जी मैं आज अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ है पंकज आज। और देखो ये बोल तो नहीं रहा लेकिन मन में तो सवाल इसके ये भी उठ रहा है कि ऐसी क्या आग लगी थी कि 7 बजे यहाँ पे हम छोले कुलचे खाने आ गए हैं, तो ये अलग क्या है, क्यों इतनी भीड़ लगती है यहाँ पे, ये तो जाके पता लगेगा। और आपको अभी रूबरू कराता हूँ ये चीज़ क्या है। और हम तो बोर्ड ही ढूंढते रह गए और पता चला कि अब तो यहाँ पर 5वीं पीढ़ी काम कर रही है। थर्ड जनरेशन है आपकी? फिफ्थ जनरेशन। क्या बात है क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या नाम है सर आपका? मेरा सर ऋतिक। ऋतिक जी सर। बिना देरी के मैंने जल्दी से अपनी प्लेट ऑर्डर करी और वहां खड़े कारीगर ने उसी तेजी से कुलचे लगाकर उनके बीच में मक्खन की टिकिया सरका दी। कुलचे धीरे धीरे मक्खन में लबरेज होते रहे। लेकिन मेरा सारा ध्यान था ये साथ में रखे हुए उन छोलों और मसालों पर जिसको खाने के लिए मेरे जैसे लोग यहाँ 7 बजे पहुंच जाते हैं। और छोले यहाँ मिलते हैं बिल्कुल बिना प्याज और लहसुन के और हमेशा उबले हुए रहते हैं। अच्छा यह सूप भी मिलता है छोलों का, है ना? छोलों का सूप मैंने तो कम से कम आज तक किसी छोले वाले के पास मिलता नहीं देखा, और यही चीज इसको औरों से थोड़ा सा अलग करती है। ग्लास में पहले मक्खन डालकर फिर उसमें सूप डाला जाता है और उसमें भी वही मसाले ऊपर से डाल देते हैं। ये मसाले अच्छा ये गरम मसाले हैं। और वो क्या है? अमचूर। हमारी छोलों की प्लेट तैयार हो रही थी और कारीगर बड़े ही मंजे हुए अंदाज से वो लाल जादुई मसाला छोलों की नीचे से कटाई करता हुआ उसमें मिक्स कर रहा था, और उसे अदरक के लच्छे, धनिया और कतरी हुई मिर्च से सजाकर हमारी तरफ बढ़ा दिया। अच्छा ये जो ये वाला मसाला है आपका रेड वाला, इसको मतलब कि आप कम बढ़ती करते हो तो स्पाइसी और वो मीडियम हो जाता है। चार मक्खन में। अपनी छोले कुलचे की प्लेट लेकर अब हम इत्मीनान से खाने की जगह तलाश करने लगे। आसपास नजर दौड़ाई तो सारे टेबल भरे हुए मिले और लोगों को स्कूटर पर भी बैठे इंतजार करते पाया। गनीमत थी एक खाली रेहड़ी मिल गई और हमने फटाफट से वो जगह लपक ली। पहले मैं सूप पीने में हिचकिचा रहा था लेकिन जब पिया तो इंतहाई मजेदार लगा। मक्खन से लबरेज और मसालों से भरपूर ये तीखा और काफी चटपटा था। ये
पहली बाइट लोटन के छोले कुलचे की, तो बड़ा ही मशहूर है वो, मज़ेदार यार। मैं तो थोड़ा सा एडवेंचर ले रहा हूँ छोले कुलचों में, तो यहाँ जो अभी मैंने हालांकि मीडियोकर बनाया थोड़ा सा, अगर आप इसको स्पाइसी बोल देंगे, अल्ट्रा स्पाइसी, आपको फिर अपना खुद ख्याल रखना पड़ेगा। और एक चीज़ जो उसको अलग करती है, यहाँ पे ये छोलों का सूप मिलता है अलग से, न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी। ना यहाँ पे नाम है ना बोर्ड है कुछ, फिर भी सब लोग जानते हैं। और वाकई बिना बोर्ड और बिना नाम की दुकान का ये लोटन का जायका काफी अच्छा था। पुरानी दिल्ली में सुबह से ही आपको कुछ ना कुछ हलचल होती नजर आती रहती है। ये है क्या चीज है? शिकंजी। अच्छा अच्छा, बर्फ मिलाई जा रही है। और हम अब जा रहे थे एक ऐसी जगह जिसके बिना यहाँ का नाश्ता मुकम्मल होना नामुमकिन है। अरे खुल गई होगी पराठे वाली गली है? हाँ खाना तो है यार जी, मैं एमसीडी में हूँ। रिक्शे वाले ने हमें उतारा कटरा शहंशाही के पास, और थोड़ी दूर चहलकदमी करते हुए हम बढ़ चले अपनी अगली मंजिल की ओर, जो थी पराठे वाली गली। ये पुरानी दिल्ली की बड़ी ही ऐतिहासिक जगहों में शुमार होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग अब इसे नए और आज के दौर के आउटलेट्स में तब्दील करते जा रहे हैं। कभी चांदनी चौक की शान कही जाने वाली इस गली में अब गिन चुनकर 3-4 दुकानें ही रह गई हैं, और उन्होंने भी आज के दौर को मद्देनजर रखते हुए परांठों की कई किस्में बाजार में उतार दी। ये भी सही है। हम अब आ गए थे इस गली की आखिरी दुकान पर, जो थी पंडित दया प्रसाद शिवचरण, और वहां मुलाकात हुई एक बड़े ही जिंदा दिल और हंसमुख शख्सियत के मालिक अनिल शर्मा जी से। अच्छा, कौन सा खिलाओगे? बढ़िया पराठा, अलग सा कुछ, मस्ती भरा। अरे देखो पसंद अपनी अपनी है, मैं तो करेले का पराठा ही बनाता हूं। अरे क्या बात है, करेले का खाना भाई, करेले का। अच्छा नहीं, कोई थोड़ा सा जायकेदार भी लगे। मेरा मतलब ये है, एक तो होता है कि देखो पुराने पराठे खाने तो 4 पराठे थे पहले, एक आलू का, एक दाल का, एक बेसन मेथी का, एक पराठा वाला। ठीक बात है। अब ये इतनी वैरायटी हो गई काफी। हाँ। अच्छा खुरचन भी मिलती है यहाँ पे है? खुरचन का पराठा मिलता है। अच्छा पराठा मिलता है, मीठा पराठा। ओके ओके, खुरचन वहाँ मिलती है। खुरचन कहाँ मिलती है? अभी आई नहीं है खुरचन? आई है। हाँ और बन रहा है, देखो खुरचन बाबू ने पराठे वाले। अरे मिल जाएगी खुरचन? जी मिल जाएगी। अरे वाह वाह वाह, ये क्या बना रहे हो यार? ये अपने लिए। अच्छा अपने लिए बना रहे हो? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। ब्रेड मलाई ये खुरचन अभी परौठे के बाद खाते हैं। अभी आए परौठा खा के आए फिर खाते हैं परौठे। यहाँ आप जो चीज जहन में सोच सकते हो आपको उसका भी परौठा मिल जाएगा। पापड़ का परौठा भी है जी, पापड़ का है, करेले का है, भिंडी का है, पुदीना, नींबू, मेवा। बता भाई पंकज कौन सा खाना है? ये देखिए आपको जो पसंद। अच्छा यहाँ बड़े बड़े दिग्गज परौठे खाने आए हुए हैं, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों की नेताओं की अलग अलग तस्वीर यहाँ पर लगाई हुई है। अच्छा ये कांग्रेस का बोर्ड है और ये बीजेपी का बोर्ड है, ये बढ़िया। अच्छा जी लाल बहादुर शास्त्री जी भी आए हुए हैं, नेहरू साहब, और ये रही बीजेपी की। जिस पराठे से शर्मा जी मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे मैंने वही ऑर्डर कर दिया, करेला पराठा। अच्छा क्या कह रहे थे, इसी में मिक्स कर दें करेला और ग्रीन चिल्ली? हाँ अलग 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 करेले का खिला दो। ये इसमें करेला है, इसमें सारा करेला है। ठीक है, सौंफ मिला हुआ, सौंफ मिला हुआ है अलग से। हाँ करेला और सौंफ। और ये क्या है? पापड़ है। पापड़ डालते हो उसको करारा करने के लिए है? नहीं, जो इसमें जो पानी है स्टीम खत्म कर दे। ये पुदीना मसाला। कौन सा? पुदीना पुदीना मसाला। हाँ ये नींबू मसाला।
नींबू, वेरी गुड, हींग जीरा, हींग जीरा, पराठा मसाला, पराठे का मसाला, ये क्या है? ये काजू है, काजू, हाँ, ये ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट, काजू किस्म का बादाम सब मिला, ठीक है, ठीक है। करेले पराठे में सिर्फ करेला ही नहीं था, तरह तरह के मसाले भर भर के डाले हुए थे। ये कड़वा हो जाता होगा थोड़ा सा, है ना? नाम से ही लगेगा, उतना करवा लगेगा नहीं, करवा लगेगा तो कौन खाएगा? इसको डीप फ्राई करते हो वैसे आप? हाँ, और किस में करते हो? ये ऑयल होता है, घी होता है? घी होता है, नेस्ले का घी। मिर्ची का बहुत चलता है, पहले ये खाते हैं, है नहीं? ट्राई करके देखना। अच्छा, ये क्या तेल होता है, घी होता है? देसी घी होता है, देसी घी होता है, देसी घी इस्तेमाल होता है आपका एवरीडे का, है शाही घी। अच्छा, इसके साथ साथ देते क्या खाने के लिए, क्या क्या है ये? बोलते पुदीने की चटनी है, ये पुदीने की चटनी है, एक केले की चटनी है। अरे वाह यार, ये यही नजर आती है, केले की चटनी है, ये पम्पकिन है, ये जो है सीताफल कद्दू की, जबरदस्त जबरदस्त। ये आलू की है, आलू मेथी की, आलू मेथी की, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये क्या है? ये आलू मटर, आलू मटर। तो ये आ गया जी हमारा करेले का पराठा, जो मैंने मेरे ख्याल से आज से पहले कभी नहीं खाया। तूने खाया कभी? हैं? तो साथ में ये देते हैं मज़ेदार सी चीज़ें। सुना भी नहीं है मैंने, सुना भी नहीं है, है? और मैं आपको सही बात बताऊं, मैं आया हूँ इसके लिए, केले और चटना, और ये है सीताफल की सब्ज़ी, जो मेरे ख्याल से ब्रह्म भोज पर दी जाती है हमारे यहाँ पे। देखते हैं जी खा के, इसकी फीलिंग देख लें जी आप। इसमें पूरा करेला भरा हुआ है, और साथ में है यहाँ पे सौंफ नज़र आ रही है आपको, और ये मसाले वगैरह हैं, और धनिया है, बहुत ये सौंफ के दाने हैं, और वेरी क्रिस्पी, घी में तला हुआ, और आवाज़ आपको तो बड़ा ही दबाते ही ये जो है वो भरभरा के टूट रहा है। टेस्ट देखते हैं इसका कैसा। इनकी तो एक बाइट लेते ही होश फाख्ता हो गए। करेले का जो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया, और मैं शुरू करता हूँ मेरी फेवरेट कद्दू की सब्ज़ी के साथ। नहीं, पहले मैं सीधे ऐसे ही खाऊंगा, ज़रा टेस्ट करें होता कैसे यार। करेला मुझे वैसे भी बेहद पसंद है, और तो मसाले भरमार करके डाले हुए। अब मैं खाता हूँ मेरी फेवरेट कद्दू की सब्जी के साथ। कद्दू की सब्जी विद करेला पापड़। यहीं आना पड़ेगा टेस्ट करने के लिए आपको, बहुत मज़ेदार। मैं कभी भी इतना स्ट्रांगली चीज़ें रिकमेंड नहीं करता, लेकिन ये पराठा तो मेरा दिल ले गया। इतना क्रिस्पी, मसालेदार, जायकेदार। आप यहाँ पे आइए और ये पराठा ट्राई करना बनता है। 10 में से 10 नंबर मेरी तरफ से। आप मानोगे नहीं, पूरा पराठा जो है, मैं यहाँ से कद्दू वाली सब्जी गायब है, और ये केले की चटनी गायब है, इनको मैंने टच भी नहीं किया, मेरे को इतनी पसंद आई है, बहुत ही बढ़िया।
भाई यहाँ हमारे कुछ दोस्त आए हुए हैं, वो है जोधपुर राजस्थान से, और इनका कहना है कि मेरे ख्याल से 2-3 साल में जब भी आते हैं पराठे वाली गली मिस नहीं कर सकते। और यही जगह क्यों, पहले आपने अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीपांशु है। ओके। ये जगह इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट है बाकी जगह से सबसे बेस्ट है, और हाइजीन सबसे प्रॉपर, सबसे बड़ी बात, यहाँ का हाइजीन बहुत शानदार है, और टेस्ट भी लाजवाब, बिल्कुल बहुत शानदार, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, फ्रेश एकदम सामने बनता है। सामने बनता है। और बेटे आप, हाँ आपका क्या नाम है? सलोनी है। आपको क्या पसंद आता है यहाँ पे? आलू पराठा। हाँ वेरी नाइस। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि करेले का पराठा इतना मतलब जबरदस्त हो सकता है, रियल। और आपका नाम क्या था? मेरा था अनिल शर्मा। अनिल शर्मा, आपका व्यवहार अरे पराठे में जान वही डालते हैं, आपकी जो मुस्कुराहट आते ही। थैंक यू सो मच। पराठे खाने के बाद मैंने रुक किया दिल्ली में मेरी पसंदीदा जगह का, जो है जामा मस्जिद में मटिया महल की गलियां। और यहां मैं पीने जा रहा था डबल डेकर ईरानी चाय, जो कि मिलती है चितली कब्र पर। वहाँ बढ़िया चाय कॉफी वाला है, मैंने सुना है चितली कब्र के पास। अच्छा। बुलेट प्रूफ कॉफी बनाता है। चाय भी हो गए? हाँ वही, उसी तो जा रहे हैं। अच्छा। है कुछ जानते हो आप? बढ़िया है, चलो ले चलो हमें जरा चाय बैठ लो। और जामा मस्जिद का ये चितली कब्र का इलाका देखकर मुझे गालिब का ये शेर याद आ रहा है कि बादशाही का अगर ये आलम है यहाँ, तो क्यों ना दिल्ली में हर नाचीज नवाबी करे। जिले इलाही की शाही सवारी निकल रही है मटिया महल में। वाह, अरे वाह वाह वाह, खरबूजे हैं ये? कचरी है, कचरी फ्रूट। क्या है? कचरी फ्रूट। हाँ। फ्रूट है तो खरबूजे जैसा। हाँ, कचरी होती है, फ्रूट होती है, फ्रूट। अरे वाह, बड़ी सही चीज़ है, पहली बार देखी है मैंने तो। हैं, ये यहीं मिलेगी आपको इधर, होता खरबूजे जैसा है क्या? हाँ। मीठा होता? मीठा हो, खट्टा मीठा हो। अब मैं ठीक सामने खड़ा था टी स्टोर के, जिसको चलाते हैं मोहम्मद रिहान खान, और जिनको ईरानी चाय बनाने में महारत हासिल है, और वो भी डबल डेकर वाली। ईरानी चाय यहाँ बनती है दूध को अच्छी तरह से काढ़ के, और फिर उसमें काफी फेंटियां लगाई जाती हैं। और सबसे खास बात है कि चाय पत्ती को बार बार उबाला नहीं जाता, सिर्फ एक बार उबाल कर उसके ऊपर से चाय का पानी डालते हैं। और फिर जब वो कड़े हुए दूध के ऊपर पड़ता है तो रंगत और खुशबू दोनों आ जाते हैं। इसके बाद फिर से दूध की ऊपरी झाग डाली जाती है, और फिर दोबारा पत्ती में से पानी गुजारा जाता है, और तैयार हो जाती है डबल डेकर ईरानी चाय। ईरानी चाय और नॉर्मल चाय में फर्क क्या होता है? ईरानी चाय और नॉर्मल चाय में जायके का फर्क होता है, टेस्ट का फर्क होता है। लाइक पत्ती के अंदर आप यूज कर रहे थे। हाँ। ये ऐसा होता है, ये चाय हमारी नुकसान नहीं देती। नुकसान नहीं देती। ज्यादा पकी हुई होती है, पैराफिन वाली जो चाय होती है वो ज्यादा पकी हुई होती है, और ज्यादा पकी हुई चीज़ हमें नुकसान करती है। ज्यादा पकी हुई चीज़? हाँ, ज्यादा कोई भी चीज़ हो, ज्यादा बहुत ज्यादा पकी हुई हो वो नुकसान करती है। तो इसमें दूध अलग है, पानी अलग है, चाय की पत्ती अलग है, तो इसमें चाय का जायका भी आता है, और दिल भी हमारा वो हो जाता है, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं कि हाँ भाई हमने चाय पी है। बहुत बढ़िया, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जी जी जी, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और कितने की मिलती है यहाँ पे? ये 20 रुपीज़, 20 रुपये की है। जी, ईरानी चाय। बहुत बढ़िया, ऐसा लग रहा है हर एक चीज़ का जायका अलग है, पत्ती का अलग, दूध का अलग, मज़ेदार। जामा मस्जिद से निकलकर हमने रुख किया अब फतेहपुरी की तरफ, जहां फतेहपुरी मस्जिद के बिल्कुल साथ लगती दुकान थी हमारी आज की आखिरी मंजिल, यहां की सबसे पुरानी और मशहूर दुकान
चैनाराम सिंधी हलवाई। हालांकि यहाँ पारंपरिक पूरी छोले सब्जी और कचौड़ियाँ भी मिलती हैं, लेकिन ये जाने जाते हैं अपनी तरह तरह की रंग बिरंगी मिठाइयों के लिए। जैसे परमल की मिठाई मैंने आज तक ना तो सुनी और ना ही खाई। ये परमल की मिठाई है? हाँ जी। अच्छा जी, परमल ये परमल वाली है। लेकिन मैं यहाँ आज मलाई घेवर के साथ खाने आया था वो चीज जिसकी वजह से इनका निजाम दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में चलता है, और वो नायाब चीज थी कराची हलवा। मलाई घेवर दरअसल राजस्थान का बड़ा ही मशहूर जायका है। मैदे से बने घेवर में केसर, पिस्ता, इलायची और केवड़े का भरपूर इस्तेमाल होता है, और कराची हलवा कॉर्न स्टार्च से बना हुआ होता है और रबड़ की तरह खिंचता है, और इसमें ड्राई फ्रूट्स का तो भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। ये है मलाई घेवर, चैनाराम का मोस्ट फेमस। लेट्स सी, फुल ऑफ शुगर। लेकिन यहाँ आप खाके कोलेस्ट्रॉल अपना नहीं नाप सकते। बहुत बढ़िया। और ये है मोस्ट फेमस थिंग फॉर विच चैनाराम इज नोन, कराची हलवा। फुल ऑफ ड्राई फ्रूट, रबड़ की तरह तो होता ही है, लेकिन फैंटास्टिक, वेरी गुड। दोनों चीज़ें मुझे बेहद पसंद आईं और मैंने घर वालों के लिए कराए पैक और वापस चल पड़ा। मेरे लिए आज के जायके हमेशा याद रहेंगे, फिर चाहे वो हो लोटन के छोले कुलचे, या फिर हो पराठे वाली गली के पराठे, या फिर हो कराची हलवा चैनाराम का। इनका मुकाम इतना बड़ा है कि पुरानी दिल्ली में इनके जायकों की मिसाल दी जाती है। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया। कलाशन को निशाना डज डज बज दा।